नहीं, क्या क्या हो गया सौम्या? किसकी नजर लग गई हमारे प्यार को? क्यों रूठ गई तुम हमसे? सौम्या बस एक बार, बस एक बार, एक बार आंखें खोलो सौम्या, एक बार वापस आ जाओ मेरे पास। हम वादा करते हैं, हम सब कुछ ठीक कर देंगे, बस एक बार सौम्या। देख लो दादी, बड़े मजनू वाले डायलॉग मार रहा है ये कृष्णा। मारने दो उसे डायलॉग, लेकिन हम उसका ये सपना कभी पूरा नहीं होने देंगे। हम यहाँ होते, इस भिकमंगे की शादी उस सौम्या से कभी नहीं होती। पर अब तो शादी हो चुकी है दादी, उसके बाद झगड़ा भी तो हो गया। अब तुम देखना, हम इन दोनों के बीच सुलह नहीं होने देंगे। और दादी, मजे की बात तो ये है कि सौम्या भी यही चाहती है। पूरी तरह से लड्डू है वो युवराज पर। डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब, लगता है सौम्या को होश आ गया, जल्दी आइए। सर देखिए, एक्सीडेंट जानबूझ का नहीं हुआ है। पर ब्रीथ टेस्ट तो लेना ही होगा। चलो मैडम, टेस्ट दे दो। मैडम, इसमें फूंक मारी है। टेस्ट नेगेटिव है सर। मतलब शराब तो नहीं पी थी उस वक्त। देखिए सर, हम एक इज्जतदार आदमी हैं और पूरी ईमानदारी के साथ आज तक काम किया है। हमने अपनी बच्ची को वही संस्कार दिए हैं, ये ऐसी गलती कभी नहीं करेगी। देखिए सर जी, हमें सब मालूम है और आपकी जानकारी के लिए हम ये बता दें कि हम भी बहुत ईमानदार पुलिस ऑफिसर हैं। अरे तभी तो बिरला हाउस का नाम सुनने के बावजूद हमने अपने कदम पीछे नहीं लिए। देखिए, हमें आपकी बेटी को अरेस्ट करना ही होगा। इंस्पेक्टर साहब, पर ऐसे कैसे? हम अपने वकील को फोन लगाते हैं। बिल्कुल बुलाइए, पर इन्हें जेल तो जाना ही होगा। पर इंस्पेक्टर साहब, अपने सारे गहने और सामान इसमें डालिए। पर कोई कंप्लेन, कोई एफआईआर तो हुई नहीं? और एक्सीडेंट भी बिरला हाउस के अंदर हुआ है। अच्छा, तो आप लोग इसीलिए उस पर पर्दा डाल रहे हैं। देखिए, बस एक बार सौम्या जी को होश में आ जाने दीजिए, फिर उधर वो स्टेटमेंट दे देंगी और इधर आपकी बेटी को जेल जाना होगा। इंस्पेक्टर साहब, हम बस कानून का वक्त बचा रहे हैं। इंस्पेक्टर साहब, एक मिनट, पहले मुझे उनसे बात करनी होगी। आइए। चल। माँ, क्या हुआ? वो लोग सुहानी को अरेस्ट कर रहे हैं। वाओ, बेचारी मेनका, कितना मजेदार तमाशा मिस कर रही है वो। अंगूठी सिर्फ तुम्हारे लिए। मैडम, मंगलसूत्र भी उतारिए।
हेलो, हाँ अच्छा ठीक है ठीक ठीक, रहने दो, इसकी कोई जरूरत नहीं है। सौम्या ने अपना स्टेटमेंट दे दिया है कि एक्सीडेंट तुम्हारी वजह से नहीं हुआ, वो खुद ब खुद गाड़ी के सामने आ गई थी। सुहानी भाभी, युवराज भैया है फोन पे। हाँ सुहानी, घबराने की कोई बात नहीं है, सौम्या ने तुम्हारे खिलाफ कोई कंप्लेंट नहीं की है, तो अब तुम्हें कुछ नहीं होगा। युवराज, हम आज वहाँ जाते हैं। नहीं नहीं, तुम घर जाओ, मैं तुम्हें वहीं मिलता हूँ। लेकिन लेकिन सोमू, सौम्या के पास है यहाँ लोग ख्याल रखने के लिए। अच्छा तुम ठीक तो हो ना? हम ठीक हैं युवराज। ठीक पापा, युवराज ने कहा कि घर जाओ। घर नहीं, उसे तो जेल भेजना चाहिए था दादी, पर ये सौम्या भी ना, सारे किए कर पर पानी फेर दिया। तुम पागल हो, माना कि हम उस लड़की से नफरत करते हैं, पर इतना भी नहीं कि हम उसे जेल भिजवा कर हमारे खानदान का नाम बदनाम करवाएं। तुम्हें पता है ना कि वो हमारे खानदान की बहू है, लोग उसका नाम लेकर बकवास करेंगे। हमें सौम्या सिर्फ इसीलिए पसंद है कि जो हम चाहते हैं वो करती है। ठीक है दादी, पर मैंने भी कुछ सोचा है। अगर आप मुझे अपनी फेवरेट मानती हो तो मुझे इजाजत दो वो काम करने की। क्या करना चाहती हो? देखते जाइए। युवराज, एक फेवर चाहिए था। मेरे लिए नहीं, दादी के लिए। हाँ कहिए। देखो ना, दादी की तबीयत ठीक नहीं है और मम्मी जी की तबीयत तो बिगड़ती ही रहती है, और कृष्णा तो बिल्कुल भी भरोसे के लायक नहीं है। कहिए ना, कहना क्या चाहती हैं? देखो, गलती तो सुहानी से हुई है, भले ही उससे अनजाने में हुई हो, और सौम्या का बड़प्पन देखो, उसने फौरन सुहानी को माफ कर दिया, कंप्लेन भी नहीं की। इसलिए मैं सोच रही थी। हाँ युवराज, रेक्स मैं सोच रही थी, रात को तुम सौम्या के साथ हॉस्पिटल में रुको। मैं समझ गया दादी, गलती सुहानी से हुई है, इसलिए आप चाहती हैं कि मैं रुकूं और उसकी जगह सौम्या की देखभाल करूं, जो मेरे ख्याल से ठीक है। पर युवराज, कृष्णा है ना यहाँ पे बेटा। माँ, जो इंसान सौम्या की जान लेने पे तुला, हम उसको सौम्या के साथ अकेला नहीं छोड़ सकते, उस पर भरोसा कैसे करें? युवराज, देखो अंदर गया, तुम जाओ, कहीं वो ऐसा ना हो सौम्या को और ज्यादा परेशान करे। स्टार प्लस के YouTube पेज पर आने के लिए आपका धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब टू स्टार प्लस YouTube पेज एंड हिट द बेल आइकन।